धर्मशाला स्थित ओवरब्रिज के समीप बेयरिंग हाउस की दुकान में शुक्रवार को रात को शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग बुझाते समय तेज लपट से फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुँचाया गया जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह पूरी मुस्तैदी से डटे रहे, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि बेयरिंग हाउस में स्टोर में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बुझाते समय 4 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग से झुलस गए, जिनको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। सभी लोग की स्थिति सामान्य है तथा एक फायरमैन का चेहरा ज्यादा झुलस गया है। उन्होंने बताया कि किसी को भी जान माल का खतरा नहीं हुआ, जो भी सामान जला है स्टोर का ही जला है, जिसके मूल्य का आकलन किया जा रहा है। वही दुकान मालिक त्रिलोकीनाथ गुप्ता ने कहा कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर लगभग 2 बजे के करीब काबू पा लिया था। उन्होंने बताया लगभग 2 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेयरिंग हाउस के मालिक त्रिलोकीनाथ गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव तथा सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा। चेहरा जला है, क्या हुआ? आग से जला है, कैसे जलेगा? लपट जलेगा। हमारा नाम त्रिलोकनाथ गुप्ता और दुकान का नाम है बेयरिंग हाउस। हमारे हम ही बैठते हैं यहाँ पे। आग लगी है साहब, करीब हमको तो 11 बजे सूचना मिली थी, हम लोग भाग के आए, सवा 11 बजे तक आ गए थे, तब फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, लेकिन आग बुझाने में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हमारा भाई भी घायल हुआ है, जल गया है, और 2:30 बजे के आसपास आग पर काबू पाया गया है। कैसे सूचना मिली, कैसे आग लगी? अब ऐसा तो अभी शुरुआती जहाँ से ये पता चल रहा है कि मतलब शॉर्ट सर्किट है ये कहीं, क्योंकि आग पीछे से लगी है कहीं से, आगे से कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो शायद मतलब बिजली वाला ही है। कितने का लगभग नुकसान? नुकसान तो सब लगभग आप समझ लीजिए कि 2.25 के आसपास करोड़ का होगा। ये आग बुझाते समय जलने की भी आग जब विभाग कह रहा है कुछ लोग जले हैं उनके, हमारा एक भाई जला है, चेहरा थोड़ा जल गया उसका, तो भेजे हुए हम इसको मेडिकल के लिए। कल रात में थाना कोतवाली अंतर्गत एक बॉल बेयरिंग की शॉप थी, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से या अन्य कारणों से आग लग गई थी। वो लगभग 9 बजे घटना है, तो तत्काल ही मौके पे फायर की टीम, पुलिस की टीम और रेवेन्यू टीम पहुँच गई, और फायर की टीम कुशलता से वहाँ पे आग पे लगभग 1 घंटे में काबू पा लिया गया, और कोई भी जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है, और इसके अलावा पूरी तरह से आग बुझा ली गई थी। एक दो फायर के स्टाफ थे फायर विभाग के, उनको हल्का सा वो आग में झुलसे थे, तो उनके भी उपचार किया जा रहा है। ये गोल घर में काली मंदिर के पास में एक बेयरिंग हाउस की दुकान है, उसमें कल रात में लगभग 11:30 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां एवं थाना कैंट और हम समस्त अधिकारियों द्वारा आया गया था यहाँ पे। तो उसमें प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, लेकिन आग लगने के दौरान हमारे 4 फायर कर्मी जो है वो भी झुलस गए थे। इसमें एक फायर कर्मी थोड़ा ज़्यादा झुलस गया था, जिसको जिला कसाले भेजा गया, वहाँ से बीआरडी मेडिकल रेफर हो गया। यद्यपि उसकी हालत अब सही है और आग के कारणों का और पता लगाया जा रहा है। लगभग कितने इसका आकलन किया जा रहा है, दुकानदार लोगों से भी पूछा गया है कि कैसे कैसे सामान था, बाकी जो हमारी जो उसकी ऑडिट टीम होती है वो पहचान कर रही है। शाम तक या देर रात तक पता चल जाएगा कितने का नुकसान हुआ है।